पंचायत चुनाव को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम कैलाश चंद शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत चुनाव में निकाली जाने वाली लॉटरी को लेकर विभिन्न चर्चा की गई। एडीएम कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि आगामी 18 व 19 दिसंबर को उपखंड कार्यालय पर जिले में होने वाले चुनाव को लेकर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के वार्ड पंच सरपंच के लिए लॉटरी निकलेगी, तो वहीं 20 व 21 को जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधान पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों को चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और परिसीमन व पुनर्गठन के बाद पोलिंग बूथ व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से बिना विवाद संपन्न करवाया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए विभिन्न संस्थाओं के पदों के लिए आवंटन और आरक्षण करने के लिए जो लॉटरी प्रक्रिया की जानी है उसका कार्यक्रम यहाँ से जारी किया जा चुका है। आज सभी उपखंड अधिकारियों को यहाँ इसी संबंध में चर्चा के लिए और प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, ताकि जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से संपन्न करवाई जा सके। इसमें प्रधान पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य की लॉटरी जिला कलेक्टर महोदय के स्तर पर निकाली जाएगी और ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के पद के लिए जो पदों का आरक्षण और आवंटन है वह संबंधित उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो आज सभी उपखंड अधिकारियों को इसी संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ कोई पर्टिकुलर डेट निर्धारित की है? इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच के लिए आरक्षण के लिए 18 और 19 तारीख तय की गई है, जिसमें अलग अलग पंचायत समितियों के पदों के लिए आरक्षण होगा जो संबंधित उपखंड अधिकारी अपने स्तर पर करेंगे और जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्य और प्रधान की लॉटरी के लिए 19 और 20 और 21 दिसंबर की तारीख तय की गई है, जो यहां जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।